हाय फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे तो आज मैं एक रेसिपी वीडियो लेके आई केक का वीडियो लेके आई उसमें मैं रेसिपी भी दिखाऊंगी केक कैसे बनाते हैं और आइसिंग और अभी थीम केक बनाऊंगी सिल्फी केक अभी का ट्रेंडिंग केक चल रहा है वो है और स्पॉन्ज बनेगा हमारा नोटाला केक तो देख लेते हैं तो एक कप मैंने मैदा ले लिया है वन फोर्थ कप मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर लिया है और वन फोर्थ कप मैंने डार्क कोको पाउडर ऐड कर लिया है वन टी मैंने बेकिंग पाउडर और आधा टी बेकिंग सोडा ऐड कर लेंगे और वन पिंच सॉल्ट ऐड कर लेंगे अब इसके अंदर थ्री फोर्थ कप जितना हम शुगर ऐड कर लेंगे तो ये हमारा प्रीमिक्स रेडी हो जाएगा इसके अंदर आप थोड़ा सा इसके अंदर आप थोड़ा सा सिट्रिक एसिड भी ऐड कर लीजिएगा और मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लीजिए तो हमारा प्रीमिक्स रेडी हो जाएगा कितना तो सिंपल है ना प्रीमिक्स बनाना लेकिन मैं अभी प्रीमिक्स ही बना रही हूँ अभी अपने अब जितना चाहिए उतना ही बना रही हूँ और वन के का स्पंज बनेगा ये यानी कि आइसिंग के बाद ये वन के का बनेगा तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेकरी स्टाइल बनाना है तो हमें बेकरी तरह से भी देखना बनाना पड़ेगा तो सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स से आज का ये केक जेल डाल के मैं बनाऊँगी एकदम बेकरी स्टाइल बनेगा केक तो इसमें मैंने थ्री फोर्थ कप जितना पानी ऐड कर लिया है और फिर मैंने आधा टी जितना न्यूट्रल जल सॉरी मैंने केक जेल ऐड कर लिया है तो इसे अच्छे से बीट कर लेंगे हम जब तक स्टिक नहीं हो जाएगा लेकिन अच्छे से इस तरह से झाग झाग जैसे फूल जाएगा एकदम से अच्छे से तब तक हमें करना है उसके बाद में हमें इसके अंदर जो हमारा ड्राइंग जो हमने छान के रखा था उसे थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करेंगे ये तो आप देख सकते हैं अच्छे से हो चुका है अब इसके बाद में हमें अब थोड़ा थोड़ा करके ड्राइंग्स डालेंगे तो इससे पहले हमें वन टी स्पून जितना मैंने वैनीला एसेंस ऐड कर लिया है तब इसे अच्छे से हमें ड्राइट डाल के कट एंड फोल्ड के हेल्प से हम मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करना ना भूलें तो मेरे नए नए वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलती रहेगी तो अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए उसमें अच्छे अच्छे मेरे जो भी नया नए वीडियोस आते हैं उसकी अपडेट आपको मिलेगी तो उसमें निमिशा नाम पे है जीरो टू और जीरो फोर इस नं नाम पे मैंने इंस्टा मैंने आया, मेरा अकाउंट है तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा आपको अच्छा लगेगा तो आप देख सकते हैं अभी थोड़ा अच्छा ठीक हो गया पानी ऐड मत करना इसके बदले आप आपने मैंने वन फोर्थ कप जितना सनफ्लावर ऑयल ऐड कर दिया है इसे अच्छे से मिक्स करें पानी आप अभी ऐड करोगे तो पहले स्टार्टिंग में हमें ऐड करना पड़ेगा नहीं तो बीच में से हमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो केक जब डाला है जो फूल गया था तो एकदम से नीचे बैठ जाएगा तो हमारा बेकरी जैसा केक नहीं बनेगा इसलिए पानी आप बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा बस ये जितना ऑयल डाला है उससे हमारा हो जाएगा बाकी काफी ड्राइंग्स मिक्स कर लेंगे डाल के हमें और मैंने एक बार और फिर से मैं बैटर से अच्छे से बीट कर लूँगी ताकि एकदम से हमारा स्मूथ बैटर रेडी हो जाए तो इस तरह से तब तक मैंने क्या ऑन को 180 डिग्री पे प्रीहीट करने के लिए रख लिया था 10 मिनट के लिए तो अभी आप देख सकते हैं हमारा बैटर एकदम से रेडी हो चुका है एकदम से स्मूथ बन गया है बस इसी तरह से बैटर रेडी करना है एकदम सिंपल है और एकदम उम्मीद अब बना के जरूर ट्राई करना आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है तो मैं पाँच इंच का मैंने केक टिन ले लिया है मैं थोड़ा टोल केक बना रही हूँ तो फोर लेयर मिलेगा मुझे तो इसके अंदर पूरा बैटर हम डाल देंगे और वन एटी डिग्री पे फोर्टी मिनट के लिए मैं बेक कर लूँगी तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है अच्छे से टेप कर लीजिए उसके बाद में हम बेक करने के लिए रख देते हैं तो तब तक हम हमारा बेक केक ठंडा हो रहा है तब तक हम इसमें मैंने डेढ़ कप जितना मैंने क्रीम ले लिया था उसके अंदर मैं नुटाला भी ऐड कर लिया है आप जब स्पंच बना रहे उसमें भी डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं लेकिन उसी कोई जरूरत नहीं ऐसे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है चॉकलेट बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा क्योंकि चॉकलेट आप चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं लेकिन एकदम चॉकलेटी टेस्ट आएगा तो आपको तो नोटल केक खाना है तो नूटल ऐसे ही बनाना पड़ेगा तो मैंने क्रीम में भी डाल लिया है और जो शुगर सिरप बनाया था उसमें मैंने एक टीस्पून जितना मैंने नोटल ऐड कर लिया है और शुगर सिरप भी रेडी हो गया है तो हमारा अभी केक अच्छे से आप देख सकते हैं कितना अच्छा बढ़िया स्पंज बना है हमारा चार लेयर में अच्छे से आराम से आपको बड़ा बड़ा तो एकदम से अच्छा लेयर मिलेगा तो इस तरह से मैंने चार लेयर्स कट कर लिए तो अभी हमें आइसिंग आईस, करना स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले बॉड में आप क्रीम लगा लीजिएगा उसके बाद में मैंने जो अब मैंने शुगर सिरप रेडी कर लिया था उसे मैंने बॉटल में भर लिया था तो और मैंने पाइपिंग बैग से ही मैं आइसिंग करती हूँ ताकि एकदम से जल्दी होता है करने के लिए तो इस तरह से आप भी इसे कर करजिए और फिर अंदर फिलिंग के लिए हम नूटाला डा डाल देंगे और सेकेंड लेयर रख देंगे इसी तरह से सारे लेयर्स से हम सेट कर लेंगे इसे क्रम कोट करके आप फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिएगा पंद्रह मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से सेट से कर लेना है उसके बाद में हम फाइनल कोट करेंगे तभी आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने सारे लेयर सेट कर लिए हैं फ्रेंड्स आगे आप कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताना मैं आपके लिए लेके आऊँगी नए नए वीडियोस जो भी आप चाहते हो मुझे बता रहे तो अभी देख लेते हम कौन कौन सा कलर मैंने ले रही हूँ मैं बजुका पिंक ले रही हूँ और फिर रेडियन येल्लो रे ले रही हूँ तो ये तीन और बाकी एक नॉर्मल अपन रखेंगे जो हमारा नोटला क्रीम जो हमारा बाकी था एक पाइप में, में मैंने वो भर लिया है तो पहले मैंने येलो कर लिया है उसके बाद में मैंने पिंक रखा है और उसके ऊपर हम जो हमारा नॉर्मल जो क्रीम था उसे ही मैं लगाऊंगी इस तरह से आप करते हो तो एकदम से जल्दी से फिनिशिंग आ जाता है आप ज़रूर ट्राई करना इस तरह से करके तो एकदम से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है एक कॉम्बो ले लीजिए कोम्बो ले उससे आप एक बार फिनिशिंग कर लीजिए स्क्रैपर से तो एकदम से फटाफट आप देख सकते हैं ब्रेक की बार में घुमाते हुए एकदम से अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगा आप देख सकते हैं एकदम क्लीन हो गया है इस तरह से हमें आइसिंग करना एकदम जल्दी हो जाता है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है बहुत देर तक हमें इसमें कोई मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं एकदम सिंपल से हो जाता है तो नीचे का हमारा हो गया है तो ऊपर भी इसी तरह से हम फाइनल कोट कर लेंगे ज़्यादा फिनिशिंग करना नहीं है क्योंकि हमारा सेल्फी केक के है तो ऊपर तो हमारा मिरली आने वाला है इसलिए हमें ऊपर से ज़्यादा क्लियर क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है तो बस हमारा फिनिशिंग हो चुका है बॉर्ड भी क्लीन कर लेते हैं अभी देखते हैं हम मेरल कैसे लगाना है उसके ऊपर इस तरह से एक शीट आएगा प्लास्टिक का उसे आप हटा दीजिएगा तो एकदम से बढ़िया हो जाएगा मेरल उसके ऊपर रख लीजिए और फिर आपको जो भी साइड में जो डेकोरेशन करना है डिज़ाइन करनी है वो कर लेना मैंने सनफ्लावर नोजल से मैंने इस तरह से पेटल्स बना लिए हैं और ऊपर से भी मैंने स्टार नोजल से मैंने इस तरह से दूसरा एक डिज़ाइन भी बना लूँगी बस इस तरह से ऊपर से भी ज़्यादा डिजाइन मैंने किया नहीं है क्योंकि मेरे अच्छे से दिखे इसीलिए बस सिंपल ही रखा है बहुत ज़्यादा ये किया नहीं है और ऊपर से मैंने इस तरह से जो स्प्रिंकल्स आते हैं हमारे जो अलग अलग कलर के उसे भी डाल दिया है और इसे हमें दो से तीन घंटे के लिए फ्रिज में रख लीजिए सेट होने के लिए उसके बाद में आप कट करके सर्व कर सकते हैं देख सकते हैं कितना बढ़िया है हमारा केक बना है बहुत ही अच्छा है आप जरूर ट्राई करना उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो हम हाँ फिर से मिलते हैं तब तक फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर